ये एक भाषा ऑर्डिनरी भाषा नहीं है, ये तो भगवान को जोड़ने वाला भाषा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल आदमी जोड़ नहीं पाता है भगवान को, लेकिन उन लोग जोड़ देता है भगवान को, ये प्रिस्ट लोग जोड़ देता है, उसी भाषा से बोल करके जोड़ देता है। ये जो संस्कृत, संस्कृत को भी हम लोग इतना ऑर्डिनरी भाषा नहीं समझता है, क्योंकि सब नहीं समझ पाता है। नॉर्मली हम लोग हिंदी भाषा अभी जो बोल रहे हैं ये तो मार्केट लैंग्वेज टाइप का है, और इससे हम लोगों का जो ऊपर वाले जो भगवान है उसका साथ इसी भाषा से नहीं जोड़ पाता है। और ख़ास तौर से हमारा ये जो प्रिस्ट लोग जो भाषा बोलता है, हम लोग तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। बहुत लोग को 80% को समझ में नहीं आता हमारा बताने में होते हुए भी, लेकिन इसमें तो उन लोगों का कला जो है ये तो भगवान का दिया हुआ कला है। हम लोगों का जो अपना जिस तरह से बोलता है ना रिप्रेजेंटेशन, हम लोग अपना तकलीफ होने से रिप्रेजेंटेशन देता है जो ऑफिसर को किस किस को देता है, इसी तरह से हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन को पहुंचाने वाला ये प्रिस्ट लोग है। और प्रिस्ट लोग का भाषा को कैसे प्रिजर्व किया जाए इसको, ये हमारा सरकार जो में पेमा खांडू सरकार ने आज में एक बजट सेशन में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन ने भी बजट में अनाउंसमेंट कर दिया है कि एक गुरुकुल टाइप का एक आपातानी में जीरो वैली में होना चाहिए। ये एक कल्चर जो है फास्ट कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर प्रिजर्व अच्छे से नहीं किया, प्रोपोगेट अच्छे से नहीं किया, तो शायद आने वाले दिनों में इस कल्चर को शायद लोग भूल जाएंगे। नेबू जो हम बोलते हैं यहाँ प्रीस्ट्स को, तो उनका कल्चर, उनको एक फेलिसिटेट करना, उनको रिकग्नाइज करना, जो इंडिजिनियस अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स है जो हमें उनके साथ बातचीत करके कोलैबोरेट करके काम किया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर जो यहाँ पता नहीं प्लेटो का जो है, उसके लिए उस इन दैट रिगार्ड दिस इज एन एफर्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन। सरकार का इसमें प्रावधान है प्रोग्राम में कि पॉलिसीज में कि गुरुकुल बनाना है, तो जैसे सैंक्शन होगा तो हम उसको कराएंगे, बट तब तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ये मानना है। हमारा जो भी कम्युनिटी हॉल्स, इतने सारे आप देखे हो, बहुत सारे गाँव में कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर भी अगर वो चाहते हैं नेबू लोग, हमारे प्रीस्ट लोग चाहते हैं कि हमको जगह चाहिए कहीं, तो एक हम डाको से बात करके वी विल गिव देम परमिशन, उसमें कोई दो बात है ही नहीं। जैसे कि यहाँ में प्रिस्ट बुक को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ वर्कशॉप शुरू कर दिया गया सर, तो आज प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया है, तो सर आपका क्या राय है इस पे, क्योंकि आजकल का जो यूथ है अभी देखने को मिला है, आज जितना भी यहाँ पे लोग जो आए हैं प्रिस्ट आए हैं उसमें से यंग दिखाई नहीं दे रहे सर, तो आप क्या कहेंगे इसको? एक्चुअली ये जो प्रिस्टहुड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ये आज का वर्कशॉप जो है, जो सब्जेक्ट जो यही था एक्चुअली, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस है अपीयर्स का डिपार्टमेंट है, और ईटानगर से भी असिस्टेंट डायरेक्टर आया हुआ है, देन यहाँ के जितना भी प्रिस्ट थे अपतानी के सब इधर आया हुआ है, अटेंड किया हुआ है, देन यहाँ का जितना भी एन जी ओ अटेंड किया हुआ है। आज का वर्कशॉप में आज वर्कशॉप का मोटिव तो यही है कि प्रिजर्वेशन करना है हम लोगों का जो ट्रेडिशन कल्चर, और देन जिसका प्रीसूट, स्पेशली प्रीसूट क्या है, प्रीसूट तो क्या है मतलब उन लोगों का जो चेंटिंग जो है, स्पेशली चेंटिंग वेंटिंग जो है, नॉर्मली हम ये तो नॉर्मल नहीं होता है एक्चुअली, भाषा जो है नॉर्मल नहीं होता है, हम इसलिए आज भी यही बोला है कि ये प्रिजर्व करने के लिए तो हम लोगों का एक ये तो इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस इंस्टीट्यूशन को तो ये कई साल से चर्चा हो रहा था, लास्ट ईयर भी हम भी चर्चा किया है ये इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्रिजर्व करने के लिए तो जस्ट हम लोग किताबें लिखते हैं और अपना अपना हिसाब से चेंटिंग करता है, मालूम है, फिर
वो चैंटिंग तो जो लोग अपना मतलब उनका इनबोर्न क्वालिटी है, जो प्रेस लोगों का जो जानकारी जो है इनबोर्न क्वालिटी है उनका अंदर में रह जाता है, चला जाता है। और उन लोग अगर मतलब इस दुनिया से गुजर जाएगा तो वो जो ज्ञान है स्पेशली हम लोगों का जो प्रेस का जो जो चैंटिंग है, जो जो भाषा है प्रेस का भाषा बोल कि हम यही बोल रहा था आज भी, ये एक भाषा ऑर्डिनरी भाषा नहीं है, ये तो भगवान को जोड़ने वाला भाषा है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल आदमी जोड़ नहीं पाता है भगवान को, लेकिन उन लोग जोड़ देता है भगवान को, ये प्रेस लोग जोड़ देता है उसी भाषा से बोल करके जोड़ देता है। और इसको तो हम उसी को कंपेयर करता है कि ये जो संस्कृत को भी हम लोग इतना ऑर्डिनरी भाषा नहीं समझता है, क्योंकि सब नहीं समझ पाता है। नॉर्मली हम लोग हिंदी भाषा अभी जो बोल रहे हैं ये तो मार्केट लैंग्वेज टाइप का है, और इससे हम लोगों का जो ऊपर वाले जो भगवान है उसका साथ इसी भाषा से नहीं जोड़ पाता है। और ख़ास तौर से हमारा ये जो प्रिस्ट लोग जो भाषा बोलता है, हम लोग तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत लोग को 80% को समझ में नहीं आता हमारा बताने में होते हुए, लेकिन इसमें तो उन लोगों का कला जो है ये तो भगवान का दिया हुआ कला है, इसीलिए उन लोग भगवान को हम लोगों का जो अपना जिस तरह से बोलता है ना रिप्रेजेंटेशन, हम लोग अपना तकलीफ होने से रिप्रेजेंटेशन देता है जो ऑफिसर को किसी किसी को देता है, इसी तरह से हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन को पहुंचाने वाला ये प्रिस्ट लोग हैं। और प्रिस्ट लोग का भाषा को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसको प्रिजर्व करने के लिए जो गुरुकुल जो बोल रहा है ना आज, गुरुकुल मॉडल एक स्कूल होना है। ये हमारा सरकार जो में पेमा खांडू सरकार ने आज में एक बजट सेशन में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन ने भी बजट में अनाउंसमेंट कर दिया है कि एक गुरुकुल टाइप का एक आपातानी में जीरो वैली में होना चाहिए, ताकि हम लोग ये जो आपातानी का कल्चर और ख़ास तौर से ये जो हम लोगों का निबूस जो प्रीस्ट लोगों का जो उन लोगों का ज्ञान जो है हम लोग किताबें में इसमें किताबें में रख सकता है, और किताबें में इसमें लिख के एक इंस्टीट्यूशन बना के इसी इंस्टीट्यूशन से हमारा बच्चा लोगों को एडमिशन दे के पढ़ लिख करके जो हमारा रीति रिवाज जो आपातानी का ख़ास तौर से रीति रिवाज को पुराना जितना भी रीति रिवाज को उसको कायम रखने के लिए इसको बरकरार रखने के लिए ये इंस्टीट्यूशन का एक मॉडल जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। और ये इतना अच्छा एक प्रोग्राम बना रहा है, और इसी इंस्टीट्यूशन में यही हम हमारे जानकारी के मुताबिक यही है कि ये इंस्टीट्यूशन अगर खोलने से इसमें हमारा ये पक्का गौर ये ऐसे नहीं होगा, और इसमें ऐसे टाइप का इंस्टीट्यूशन होगा कि जो हम गांव में घुस रहा है, जैसे गांव का टाइप का बिल्डिंग वल्डिंग जो बनाएंगे इसी टाइप में पढ़ लिख करके, और यहाँ वहाँ जो पढ़ने वाला सिर्फ हमारा अपना भाषा को नहीं पढ़ेगा, अपना भाषा तो एक सब्जेक्ट होगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा, एक स्पेशलाइजेशन टाइप होगा, लेकिन साथ साथ में जो हम लोगों का CBSE कोर्स वो भी होगा। तो ऐसे चलते रहने से उनका जो ज्ञान जो है वो यहाँ के बुजुर्ग लोग उस नहीं रहेगा, उन लोगों का ज्ञान को हमारा वो वहाँ जो गुरुकुल में जो पढ़ने लिखने आएंगे वो लोग ज्ञान को कैरी ओवर करेगा, हम लोग यही समझता है, इसलिए बहुत अच्छा है। आज का जो वर्कशॉप है ये भी इसी सब्जेक्ट में डिस्कस करने के लिए वर्कशॉप आया है, और ख़ासतौर से सभी पार्टिसिपेंट जिस तरह से देखा है बुजुर्ग बुजुर्ग लोग ये है। हाँ, हमारा इसमें पार्टिसिपेट करने वाला यूथ नहीं है, यूथ इसीलिए नहीं है कि इसमें जो हम लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन मतलब बहुत जगह में डायरेक्शन में जाता है, मतलब कई डायरेक्शन है, 10 राय हैं एक्चुअली, इतना राय है। मतलब हम लोग तो जब छोटा में था तो सिर्फ एक ही जगह में बैठ के सब अपना मतलब अपना कला ये जो ट्रेडिशन का बारे में मालूम होता था, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं ट्रेडिशन का, और ये इम्पोर्टेंस को भी शायद
इस समय मालूम नहीं होता होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी समझने लग गया, क्योंकि हम लोग खोना नहीं चाहता है अपना ट्रेडिशन को, अपना कल्चर को खोना नहीं चाहता है। और नहीं खोने के लिए हमारा यूथ, जो युवा लोग, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और इन लोगों को मैं आग्रह करूँगा, अनुमति भी करूँगा, दरख्वास्त भी करता हूँ कि यूथ लोग भी इसमें थ्रो, जो एनजीओस का थ्रो हो या स्टूडेंट्स लोग हो या कोई भी हो, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए क्या चीज़ है। और इसी जानकारी से आगे बढ़ते रहने से हम लोगों का ट्रेडिशन कल्चर थोड़ा सा मतलब बरकरार रखे, बचा के रखना है। और इसको बचाने के लिए ये आने वाला युवा पीढ़ी लोगों के हाथ में सौंपना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये गुरुकुल जो मॉडल है सबसे मतलब एक साधन है, हम लोग इसको बरकरार कैसे रखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे, अभी तो पटक से तो हम लोग इतना मतलब प्रचार करने से भी सबको एकता नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। और ये शुरुआत है, जो ये वर्कशॉप पहले नहीं किया बोल रहा है, ये फर्स्ट टाइम है हमारा जीरो में। वैसे तो लास्ट ईयर का स्कीम था, फिर हमारा डिप्टी कमिश्नर जो HP विवेक साहब ने इसको बचा के रख करके इस बार इतना अच्छा से कर रहा है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो हम ये हमारा गवर्नमेंट को, पेमा खांडू को और चाना मेन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए जिस तरह से जो प्रोग्राम बनाते जा रहा है, स्कीम बनाते जा रहा है, इसी का आगे में हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाने में सभी का हाथ है और सभी का हाथ रहे, और आप लोगों का भी साथ होना जरूरी है। मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस को कैसे बताने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आज यहाँ पर जो प्रिस्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उन लोग का जितना भी कल्चर है उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर वर्कशॉप स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें सर, तो उसको लेकर आपका जो शब्द जो हमारे पब्लिक सुन रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये पहली बार फर्स्ट वर्कशॉप ऐसा हो रहा है यहाँ पे, जो प्रीस्टूड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स से जो सहायता मिला है उसके बेसिस पे हमने हमारे ज़िला में ये ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि ये एक कल्चर जो है फास्ट, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर प्रिजर्व अच्छे से नहीं किया, प्रोपोगेट अच्छे से नहीं किया, तो शायद आने वाले दिनों में इस कल्चर को शायद लोग भूल जाएंगे। अभी मैं जो सुनने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे गाने थे, फोक कल्चर, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे शो, जो शायद आजकल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसा ना हो, ऐसा एक दिन ना हो कि बहुत सारे मतलब हमारा जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है वो एक दिन अचानक से गायब ना हो। ये नहीं होने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स का जो पोर्टल भी है, डॉक्यूमेंटेशन सारे ये प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसके भी हमें प्रयत्न करना है। दैट ऑल्सो वी विल टेक अप। ये एक वर्कशॉप ऐसा था कि नेबू जो हम बोलते हैं यहाँ प्रीस्ट्स को, तो उनका कल्चर, उनको एक फेलिसिटेट करना, उनको रिकग्नाइज़ करना, जो इंडिजिनियस अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स से जो हमें उनके साथ बातचीत करके कोलाबरेट करके काम किया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर जो यहाँ पता नहीं प्लेटो का जो है, उसके लिए उस इन दैट रिगार्ड दिस इज एन एफर्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन। तो सर, जैसे हमारे भारत में सर बहुत सारे ऐसे गुरुकुल्स हैं जहाँ बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, तो हमारे ज़िले में अभी इस चीज़ की कमी है सर, तो अभी जैसे कि आप सर ने भी कहा कि ये गुरुकुल यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर खोला जाएगा, तो सर उसको लेकर आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव? आज मैंने सुना एक दो बार इसके बारे में एक रिक्वायरमेंट है करके, तो हम इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि उनका प्रोविजन क्या है इस बारे में, तो उसके चलते जो भी अगर गुरुकुल का सेटअप करने का होगा तो देन अगर वो प्रोविज़न है सरकार का इसमें प्रोग्राम में, तो हम ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक मैंने ये भी बोला है कि अगर इनको आपस में मिलके एक कल्चरल एक्सचेंज हो या डिस्कशन हो करने के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो हमारा स्कूल टाइम के बाद हम रिक्वेस्ट कर सकते कहीं ना कहीं एक जगह पर सारे नींबू लोग बैठ के सोच विचार विमर्श कर सकते हैं। उसके लिए कोई जगह को हम ढूंढते जाएंगे तो देखिए बहुत मिल जाएंगे, पंचायत भवन भी हैं हर गांव में, स्कूल्स भी हैं, ऐसा ही नहीं है कि नया बिल्डिंग ही बनाना है, हर एक चीज़ के लिए नया बिल्डिंग बनाने का नहीं, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स और हमारे पास जो इतने सारे हैं तो उसका भी तो उपयोग किया जा सकता है। अगर सरकार का इसमें प्रावधान है
प्रोग्राम में कि पॉलिसीज में कि गुरुकुल बनाना है तो जैसे सैंक्शन होगा तो हम उसको कराएंगे, बट तब तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है हमारा जो भी कम्युनिटी हॉल्स, इतने सारे आप देखे हो, बहुत सारे गाँव में कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर भी अगर वो चाहते हैं नेबो लोग, हमारे प्रीस्ट लोग चाहते हैं कि उनको जगह चाहिए कहीं, तो एक हम डाको से बात करके वी विल गिव देम परमिशन, उसमें कोई दो बात है ही नहीं। तो उसको सेपरेट एक बना के गुरुकुल बनाने तक मुझे नहीं लगता वो वेट करना चाहिए। अगर है तो पॉलिसी करना ठीक है, एज एंड व्हेन वो आएगा तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस के अफेयर्स के साथ बातचीत भी करेंगे। तो सर, जैसे कि आज आपने खुद देखा कि जो यूथ है उसकी कमी दिख रही थी यहाँ पर, जितने भी जो प्रेस्ट है यहाँ पर एक ही यूथ है जो प्रेस्ट में अभी घुस चुका है सर ना, तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, प्रिजर्वेशन जो प्रेस्टहुड है उसको लेकर? देखिए, हम सभी लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहचान जो होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारा कल्चर से आता है, हमारा कल्चर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम से आता है जो हमें अपने ज़मीन से जुड़ने का अवकाश देता है। आपका आइडेंटिटी, आप जब बोलते हो कि हम आपातानी हैं, तो आपातानी का एक डिस्टिंक्ट कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, कोर इथोस क्या है, ये सब आपको जानना चाहना है तो देन ये यही यू नो प्रीस्टहुड जो यहाँ पे इंडिजिनस अफेयर्स का जो चलता है, उनका जो सदियों से चला आ रहा है कार्यक्रम, जो पूजा पाठ जो भी है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अगर यूथ को मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों का पहचान है, आप पहचान, हम अपना आइडेंटिटी को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो आइडेंटिटी के साथ अगर जुड़ के, मतलब विदाउट आइडेंटिटी वी आर नथिंग। हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान को हम अगर प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे तो हम शायद कुछ भी नहीं रहेंगे। तो यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा यूथ से कि जो हमारा आज का एक प्रयत्न है, आने वाले समय में इसका भी हम प्लान करेंगे कि कैसे हम बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस में कैसे इसका प्रोपोगेट किया जाए। और मैंने देखा खास करके यहाँ इतने फेस्टिवल जब होता है, म्योको हो, ड्री हो, वहाँ पर भी इतने रिचुअल्स प्रोग्राम्स होते हैं, तो मुझे यही आशा है कि यहाँ के यूथ को ऑलरेडी इसके बारे में, यहाँ आज शायद भले ही आज यहाँ पे ना हो, बट जो भी अभी रिसेंटली जो ड्री फेस्टिवल हुआ उसमें भी तो रिचुअल्स हुए थे, उसमें भी बहुत सारे यूथ ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। आई एम श्योर दे आर ऑल वेल अवेयर ऑफ इट, एंड यहाँ जितने भी यूथ एसोसिएशन हैं, जो भी आते हैं, मैंने देखा है उनका भी बहुत सारा वैल्यू सिस्टम है, बहुत यहाँ के लोकल कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, तो आई एम श्योर यू नो दे विल टेक एंड यू नो पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन टू प्रिजर्व द कल्चर। थैंक यू।